नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। अभी तक की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। खबरें फटाफट में। गर्ली की कनोल पंचायत में आंगनबाड़ी हेल्पर ने खुद को लगाई आग, टीएमसी रेफर। बारालाचा सहित लाहौल की ऊंची चोटियों पर ताजा बर्फबारी, पागल नाले में जलस्तर बढ़ने से NH3 बंद। भरमौर में पहाड़ों पर ताजा बर्फबारी ने बढ़ाई कंपकपी, गर्म कपड़ों में लिपटे लोग। रावी नदी समेत विभिन्न हिस्सों में बहने वाले नाले भी पूरे उफान पर। सिरमौर के ऊपरी क्षेत्रों में लगातार बारिश से गिरी जटोन बांध का जलस्तर बढ़ा, लोगों से नदी के किनारे ना जाने की अपील। लर्न एंड अर्न प्रोग्राम के तहत युवाओं को रोजगार, ITI मंडी में टाटा मोटर्स लेगी साक्षात्कार। लगातार हो रही बारिश से नगरोटा सूर्या में किसान मायूस, खेतों में सड़ने लगी मक्की की फसल। SDM पोंटा ने जूस पिलाकर खुलवाया गौ सेवक सचिन का अनशन, सभी मांगों को मानने का दिया आश्वासन। जाता मानसून दे गया जख्म, नौहराधार के देउड़ी गांव में शौचालय ढहा, अब मकान को भी खतरा। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में आयोजित हुई लाइनमैन की लिखित परीक्षा, शाम के सत्र में हुआ सबस्टेशन अटेंडेंट का एग्जाम। नवरात्र को लेकर बज्रेश्वरी मंदिर में तैयारियां पूरी, विदेशी फूलों से दुल्हन की तरह सजाया मंदिर परिसर। कार्टिंग रेसर श्रिया लोहिया के नाम एक और उपलब्धि, JK टायर मोटर स्पोर्ट्स टीम का बनी हिस्सा। बंजार में पेड़ गिरने से चपेट में आई कार सहित मोटरसाइकिल, टूरिस्ट हट भी ढहा। पालमपुर की न्यूगल खड का रौद्र रूप, पहाड़ों पर बादल फटने की शंका से सहमे पालमपुरवासी। धर्मशाला में भारी बारिश के बीच राष्ट्रीय विधिक सेवा महाशिविर, घर घर कानूनी सहायता पहुंचाने का अभियान। हिंदू जागरण मंच पांवटा साहिब, रामलीला को लेकर मुखर, फिल्मी गानों पर डांस, हास्यप्रद नाटकों पर लगे रोक, SDM को सौंपा ज्ञापन। ऊना में प्रधानाचार्य ने उठाया स्थायीकरण का मुद्दा, सतपाल सत्ती से की मुलाकात। खबरें फटाफट में आज के लिए बस इतना ही, देखते रहें दिव्य हिमाचल टीवी।